सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यदि चार बातों का पालन किया जाए, पहला एक महान लक्ष्य बनाया जाए, दूसरा ज्ञान अर्जित किया जाए, तीसरा कड़ी मेहनत की जाए और चौथा दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसा मुकाम हासिल करो कि दुनिया आपको फेसबुक पर ढूंढने की जगह गूगल पर ढूंढे। आलस्य इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन है। आज का पंचांग 1 अगस्त 2022 दिन सोमवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह 5:13 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 4:06 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:39 से 9:17 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 10:29 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 1 अगस्त 2022 दिन सोमवार, आज आपकी किस्मत आपके साथ है। आप अपने समस्या को सुलझा लेने की कुशलता से सबको अचरज में डाल देंगे। सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा और आपको एक नया काम मिलेगा। खुश रहें और अपनों के साथ खुशी बांटें। आज कोई दोस्त मिल सकता है। दिन कुल मिलाकर मजेदार भी रहेगा। आज के दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए उत्तम भी रहेगा। वह अपने व्यापार में भी कुछ नए परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी का ऑफर आ सकता है, जिसके कारण परिवार में किसी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है, लेकिन संध्या काल से लेकर रात्रि तक आप सामाजिक कार्य व विकास के कार्यों से लिप्त रहेंगे। जो लोग सट्टेबाजी में निवेश करते हैं, उन्हें निवेश करना बेहतर रहेगा। अपने किसी खास योजना को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, इससे आपको मानसिक सुकून और शांति भी मिलेगी। अपने विचार और भावनाओं में संतुलन न रखने से दिन भर बेचैनी रहेगी। अभी के समय में किसी वजह से आपको दुख हो सकता है, उस बारे में ठीक से बातचीत करें। लोग आपकी भावनाओं को और आपको समझने की कोशिश करेंगे। युवाओं का धन अन्य बातों पर रहने से काम संबंधित अवसर खो सकते हैं। लव लाइफ से संबंधित दुविधा की वजह से उदासीन महसूस होगा। पेट संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती है। खान पान पर ठीक से ध्यान देना होगा। सावधानियां, दिन बहुत व्यस्त और मेहनत वाला व्यतीत होगा। फोन अथवा मित्रों के साथ घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें। किसी पड़ोसी के साथ कहासुनी होने जैसी स्थिति भी बन सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आप किसी के दिल में हमेशा के लिए जगह बना सकते हैं। आपके इस नए अफेयर्स की शुरुआत काफी ताजगी भरी और अंतरंग होगी। आपका दिमाग काफी मुक्त रहेगा और आप दिखावे से प्रभावित हुए बिना सच्चे प्यार और सच्चे संबंध की तलाश में रहेंगे। पिछले समय के कड़वे अनुभव को रुकावट ना बनने दें। अगर आपको डर लग रहा है तो सावधानी से आगे बढ़ें। बात करते हैं करियर की। आज आप पेशेवर आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आप अपनी कार्य संबंधी चिंताओं को सशक्त तरीके से आगे रखेंगे एवं कोई भी मुश्किल आपको बड़ी नहीं लगेगी। कुछ सूक्ष्म संकट कार्यस्थल पर आ सकते हैं, परंतु आप उन संकटों से आसानी से आत्मविश्वास के साथ बाहर आएंगे। आज आपके सहकर्मी आपके अपेक्षा से प्रभावित भी होंगे। व्यवसाय में ग्रोथ के लिए नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखना जरूरी है। पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधित नए स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में मनोनुकूल कार्यभार भी मिलेगा। बात करते हैं सेहत की।
आज के दिन आपकी जीवन शैली में कुछ अपेक्षित बदलाव करने के लिए एकदम उपयुक्त है। आप ऐसे किसी आदमी से मिलेंगे या ऐसी किसी स्थिति के बारे में आपको पता चलेगा कि आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी भोजन संबंधित आदतों में बदलाव करना होगा। आपको स्वास्थ्यकर भोजन के बारे में कुछ बहुत अच्छी सलाह भी मिलेगी। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।